ऐसे बेटन थे तो तू बिना बेटन की अच्छी। अरे तेने ऐसे कुल्हा पैदा कैसे आज अपनी घरवारी के पांव दबा रहे। ध्यान रखना। तो जैसे ही कुंती ने शब्द सुने भीम के, तो भीम ने जवाब क्या दिया, मैया सुन, सूरज नभ में युग आवे हथियार हाथ में धारूंगा, जेठो बेटा जो तेरा तई मात भमन में मारूंगा, तैया बढ़ाए बदन में जोश, जीवित नहीं धरती मैं छोड़ू, अरे चाहे कितनहु लगी जाई दोसो और 51 रुपए का पुरस्कार अमित इनकी तरफ से ही, और 101 रुपए का पुरस्कार सूरज यादव नीटू के भांजे। हेलो, तो उस समय भीम ने प्रण किया मैया धर जा सामने से, क्या कल सूर्य उदय होते ही चाहे मैया संसार दोषी भले देवे, मेरे पिता का दुनिया में नाम था, ऐसे कुल्हाते ने पैदा करे सो घरवाई के पांदा रहे, सवेरे मार दूंगा दुष्टर को छोड़ूंगा नहीं। ध्यान करना। तो जिस समय भीम ने ये प्रण किया है तो महतारी रोई गई, हे परमात्मा भगवान बैसू मेरे तो पांच चाहिए, और जब घर में ही कलह पड़ रही है और ये भीम प्रण कर रहा है तो काउतरे दुष्टर को मार देवे। तो भीम तो चले गए अपने भवन को, महतारी भवन में बैठ के क्या करती है, अरे लगाई अब हर ते डोरी लगाई लगाई अब हर ते डोरी लगाई लगाई अब हर ते डोरी लगाई, हर ते डोरी लगाई जी तू हर ते डोरी लगाई, दरवाजे पे हाथ मारा है, बुआ खोलियो
जो कुंती ने दरवाजा खोला, मैया रो कैसे रही हूं? बुआ रात में अकेली कैसे रो रही हूं? कन्हैया कच में तू जब बैसे पांच है और आज दुष्टर ने, आज दुष्टर को भीम ने और पांचाली के पैर दाबते हुए देख लिया है रात में, तो कन्हैया उन्हें प्रण किया है क्या कल सूर्य उदय होते ही मैं भीम को मार दूंगा, युधिष्ठिर को मार दूंगा। जो इतनी बात सुनी कन्हैया ने कि बुआ बजा में हम करी का सकते हैं, तुम्हारे घर की बात है बेटा कैसे करो, पर मेरा युधिष्ठिर बेटा शब्द सुदोने के जाके प्राण बचा दो कैसे जी, भीम महान क्रोधिया जी मार देगा सवेरे। तो एक काम करियो बुआ, जैसे भीम जगे सवेरे तो तुम जी कह दियो कि सवेरे बहुत जल्दी पहले मेरे पास आवे, और कह दियो रात कन्हैया आए तुम्हें बुलाए, बहुत जरूरी काम है, पहले सबसे पहले मेरे पास हाजिरी लगावे। कन्हैया चले, आज जैसी सवेरा हुआ है तो पवन पुत्र भीम ने गदा उठाई है और उसी भवन को आ रहा था जिस भवन में द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर रहते थे। तो जैसे ही भवन में आते हुए देखा है कुंतिया तो रात के बेचैनी, ललित जी तेज ससुर बैठे इन्हें दे देते तो ये कम से कम दरना टल्लो चल जा तो हैं? कान में जी कह रही है छोरी के भैया तुमने दिन में कही जो डोकर अब तक 6000 रुपए माला ले चुके सुनो तो क्या कही है धर्मराज दुष्टर भमन में थे और इधर से पवन पुत्र भीम जब आए तो महतारी रास्ता में मिले, तब कही है बेटा भीम रात कन्हैया आए थे बहुत जरूरी काम बता गए तुम्हें बुला गए, क्या काम बताओ? बेटा इतनी मऊ ना मालूम जी कही गए कि पानी न पिए सबसे पहले मेरे पास आवे। तो भीम ने विचार करो कि जीवन भर उनने हमारी मदद करी है तो ला पहले उनकी परेशानी सुन लेते तो हमारे घर की बात आ जाए तो सांझू को कर देंगे। तैसे पवन पुत्र भीम आज द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिया और लौट के कही मैया सुन कह दिया अपने बड़े बेटा लौट के मार दूंगा आप, पहले उनको सुन ले दो बेका कह दिया रात। तो जैसे द्वारका के भवन पर पहुंचे हैं तो द्वारपाल से कही के कह दो भीमसेन आए हैं, द्वारपाल ने कहा महाराज आप खुद चल के देखो। तो जिस समय भीम और भगवान कन्हैया के राजभवन में पहुंचे हैं उस समय हालत क्या थी कैसे सोनो भूप धर ध्यान अरे डार दई चौखट पे चट्टी हमें कैसे बुलाओ? हाँ
और 100 रुपए जगदीश गितारी जी उनकी तरफ से हैं। भैया भीम मेरे सिर में दर्द हो रहा है और 3 दिन रह गए, अभी मैंने घूट पानी नहीं पिया। भैया भीम बहुत दर्द है मेरे सिर में, बीमारी लग गई है। भीम ने की बीमारी लग गई है तो कहो डॉक्टर दिखाओ, कहो बढ़िया वैद्य दिखाओ। भैया भीम बड़े बड़े वैद्य आए, एक एक होशियार वैद्य ने नबज देखी, पर दवाई तो बताए गए पर दवाई को लिपैया कोई नहीं है। जो महाराज 56 करोड़ हीरे का मर गए जाओगे, सो दवाई को कोई लिपैया ही ना है। भैया भीम तुमका रिश्तेदार ना हो, तुम हूं तो हमारे हो, तो बस इतना ही निवेदन है कि मेरी बात दवाई ला दो तुम, और कोई लाभ वारो नहीं है। बाहर एक कन्हैया कितनी लंबी राजनीति चली है, तो भीम ने की महाराज जी बताओ फिर वो दवाई मिले ही कहां। तो सुनो दवाई मैं बता रहा हूं कि दंडिक वन के बीच में एक पीपल का पेड़ खड़ा है, एक एक योजन की दूरी में उसकी छाया फैलती है। वह पीपल के पेड़ पे थे भैया भीम, थोड़े से पत्ता तो ले लियो, वे पत्ता बताए तो मैं पिसके में माथे पर लगा लूंगा तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। भीम ने कही के तो चलो बा घर भाई काम है कर लेंगे, अब इन्हीं को काम निपटा दीजिए, वो बीमार है तो फिर रिश्तेदारी की बात है, जो कंगे का दवाई लेवे ना गए तो दुष्टर के मारने की बात है तो कल मार दे, बात तो बिगाड़ी दी कुल की। तो आज भीमसेन पत्ता तोड़ने के लिए चले हैं। श्रोता बंधु जाय किस तरह है, अरे तवा चलो भीम बलधारी, भीम बलधारी, आज पेड़ गिरा देंगे चंदा न बदला न सूरज बदला न बदला जमीन आसमान, जितना बदल गया है इंसान वे वीर थे। आपने देखा होगा, बच्चों ने नेट पे भी देखा होगा, कुछ समय पहले ज्यादा नहीं 7-8 वर्ष हुए इस कुरुक्षेत्र के मैदान की खुदाई हुई थी। उस खुदाई में एक मनुष्य की पांजर निकली तो उसकी लंबाई जो थी वो 30 फुट थी, 30 फुट। अब विचार करोगे जब 30 फुट लंबे जवान होंगे तो 10 फुट चौड़े होंगे, कैसे लगत होंगे। और ऐसे वीरन की अगर ध्वजा लग जाए पेड़ में तो पेड़ बच जाएगा। तो रात में जब भगवान कन्हैया बुला गए थे तो भीम दबा लेने पहुंचे, पूरे दिन भागते रहे पूरे दिन, और संध्या का समय हो गया, पीपल के पेड़ पे पहुंच गए। जब जंगल में उस वृक्ष को निहारा है भीम ने, तो विचार करो बच्चों जब बियाबान जंगल में चारों तरफ कोई नहीं है और इन्हें दवाई नहीं है बताई है। तो जैसे ही भीम उस पेड़ पर चढ़ के गए ऊपर, श्रोता बंधु ऊपर वृक्ष पर बैठ ही पाए तो नीचे आवाज, नीचे आवाज, भाई क्या, अरे भीम चढ़े जवायु पर अकू, अरे भीम चढ़े जवायु पर अकू, आया ती मदन या बाबा
ना कोई ना, कोई नहीं था बिल्कुल। और जब झाड़ू लगाए बिछोना बिछा